दोस्तों, जैसा कि हमें पता है कि BSNL का इंडिजीनियस 4G पूरे देश में जल्दी ही आने वाला है। ऐसे में TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और CDOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स अगले 15 दिनों में अपने इंडिजीनियस 4G का टेस्टिंग और ट्रायल पूरा करने की उम्मीद है। डॉट सेक्रेटरी श्री के राजा रमन जी ने कहा है कि POC यानी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा चल रहा है और थोड़े से फाइन ट्यूनिंग बची है जो अगले 15 दिनों में कंप्लीट होने की उम्मीद है। टेस्टिंग प्रोसेस में एक अप्रोप्रिएट टाइम लगेगा और इसमें काफ़ी सारे सब टेस्ट हैं जिनमें से कुछ में थोड़ी फाइन ट्यूनिंग करनी बची है। इससे पहले TCS, CDOT और तेजस जो कि अब टाटा का ही एक पार्ट है को सेलेक्ट किया गया था कोर और रेडियो इक्विपमेंट सप्लाई करने के लिए ताकि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को टेस्ट किया जा सके चंडीगढ़ और अंबाला में। इससे पहले जुलाई में BSNL ने TCS को अलाउ किया था कि वो अपनी टेस्टिंग को 120 दिनों में पूरा करे, जिसे बाद में बढ़ाकर 31 जनवरी 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। CDOT के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने कहा है कि BSNL 4G एक हिस्टोरिकल मोमेंट होगा और हमें भरोसा है कि टेलीकॉम डिपार्टमेंट आत्मनिर्भर भारत विजन को देखते हुए एक ज़रूरी सपोर्ट देगा ताकि BSNL की नीड्स को फुलफिल किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम BSNL 4G नेटवर्क को अपग्रेड करने की क्षमता भी रखते हैं, जहां पर BSNL नेटवर्क को 5G NSA में 2022 के अंत तक और 5G SA में 2023 तक अपग्रेड किया जा सकता है। इसी के साथ हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन श्री देवो सिंह चौहान जी ने कहा है कि BSNL 4G का कमर्शियल रोल आउट अगस्त सितंबर 2022 तक एक्सपेक्टेड है और इक्विपमेंट परचेज ऑर्डर अप्रैल 2022 तक प्लेस होने की उम्मीद है। इसी के साथ 2022-23 बजट में BSNL को 44,270 करोड़ रुपए का फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया गया है, जिसका ज़्यादातर हिस्सा टेक्नोलॉजी अपग्रेड में यूज़ किया जाएगा।